नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रिलेशन में। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, आई इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो हमें बताया बेटा साइन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन का हमें रिजल्ट पता है, जो कि हमने पीछे स्टडी किया था। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स होता है, माइनस कोस एक्स प्लस सी होता है। लेकिन अगर हम एज्यूम करें कि एंगल यहां पर x है, x की जगह एंगल 2x हो जाए। आठवां क्वेश्चन लेते हैं हम, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एंगल x की जगह हमने 2x रख दिया। तो इसके जो रिजल्ट का जो आता है बेटा, जो भी एंगल होता है 1, 2, 3, 4x जो भी आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा बेटा साइन का जो इंटीग्रेशन होता है विच इज इक्वल टू माइनस कॉस, और जो एंगल है 2x है, एंगल के साथ जो डिजिट वाली वैल्यू होती है 2x है, तो 2 हमारा डिवीजन में आ जाएगा, जबकि वहां पे जो एंगल वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई में लिखते हैं डिफ्रेंसिएशन, जबकि इंटीग्रेशन हम डिवीजन में लिखते प्लस सी इसका इंटीग्रेशन होगा। तो नोवा एग्जांपल लिखा लेते हैं बेटा, अगर मान लो कोस 8x है इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो कोस का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन एक्स होता है, कोस का इंटीग्रेशन आई इक्वल टू कोस 8x, कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। तो कोस का इंटीग्रेशन हमने कर दिया साइन एक्स, एक्स की जगह जो एंगल है 8x, और वहां पे जो एंगल डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई में आता था और इंटीग्रेशन जो एंगल की वैल्यू आती थी आई की डिवाइड में, 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस जो अपना कंप्लीट रिजल्ट होगा। तो आगे हमारे पास जो ट्रिगोमेट्री के रेशो होते हैं विच इज इक्वल टू 10x sec x cos x 10x, इसका जो सॉल्यूशन है अगर इसका इंटीग्रेशन करना चाहे तो हम डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं जो कि हमने मैंने आपको दिखाया फॉर्मूले में बताया, लेकिन वो रिजल्ट कहां से फाइंड आउट हुए उसको फाइंड आउट करने के लिए हम जो अप्लाई करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे किस वे में 10x sec x cos x cot x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया जाता है। तो हमने देखा यहाँ पे एंगल x था, अगर एंगल x चेंज हो जाए विच इज इक्वल टू 2x 8x ax bx किसी में भी चेंज होता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू और बता देता हूँ बेटा मैं, अगर मान लीजिए कि जो साइन का एंगल है इसकी जगह a इंटू एक्स इंटू डी एक्स है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा साइन का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस होता है, माइनस कोस जो एंगल है यहाँ पे a इंटू एक्स है, तो जो एंगल होगा एंगल के साथ जो वैल्यू होती है उसको क्या करते हैं डिजिट में डिवीजन में लिखते हैं प्लस सी, दिस इज द रिजल्ट ऑफ साइन ए एक्स का इंटीग्रल। तो बाकी जो 10x sec x cos x cot x के जो रिजल्ट अगर हमें फाइंड आउट करने हैं इंटीग्रेशन में, तो उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे ये देखा स्टूडेंट कि यहाँ पे साइन की पावर कोस की पावर इन चारों एग्जांपल के थ्रू 1 थी, अगर साइन की पावर कोस की पावर 10 की पावर पावर अगर 1 से 2 हो जाए तो किस वे में क्वेश्चन को सॉल्व करते इसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो पहला एग्जांपल लेते हैं बेटा इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी 11वां एग्जांपल है अपना 10x² का, अगर इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है डिफ्रेंसिएशन में, हम 10x² का जो सॉल्व किया था बाय चेन रूल भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स का फाइंड आउट करने के लिए। तो ऑलवेज या रिमेम्बर डैट साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो ऑलवेज कोस 2x के जो फॉर्मूले होते हैं उनको यूज करना जरूरी है। तो हम क्या जानते हैं बेटा कोस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, जो कि मैंने डिफ्रेंसिएशन में फॉर्मूले बताए थे आपको। यहां से हम 10x² की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होगी बेटा यहां से निकाल लेते हैं बेटा, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए इसको राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स फाइंड आउट करना है तो 2 डिवीजन में चल जाएगा विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स
इज इक्वल टू 1 बाई टू 1 माइनस कॉस 2x। तो नाउ अब साइन स्क्वायर एक्स को हम इस फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अपना जो क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया हमने 1 बाई टू 1 माइनस कॉस 2x इंटू dx। तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू को कॉस 2x के फॉर्मूले से फाइंड आउट किया और उसको साइन स्क्वायर एक्स की जगह पुट कर दिया। तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त हुआ 1 बाई टू कॉमन ले लिया, बड़ा ब्रैकेट लगाया। नाउ अब दो फंक्शन अपने दोनों फंक्शन को ओपन कर दिया, इंटीग्रेशन को इसके साथ 1 इंटू dx को 1 से मल्टीप्लाई 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दो फंक्शन है तो दो फंक्शन के पार्ट में ब्रेकअप हो गया अपना इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू कॉस 2x इंटू dx दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। नाउ इंटीग्रेशन 1 बाई टू 1 इंटू dx का जो इंटीग्रेशन होता है एक्स ओवर होता है जैसा कि मैंने पीछे बताया था, माइनस कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है जैसा कि मैंने बताया था अभी साइन होता है, कॉस का इंटीग्रेशन का रिजल्ट साइन एक्स होता है एंगल 2x है डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, पूरे का हमने कॉन्स्टेंट एक बार लिख लिया प्लस सी। तो इन दिस वे साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन को हम सोल्व करते हैं। तो अगला एग्जांपल लेते हैं बेटा कोस स्क्वायर एक्स का, अगला एग्जांपल लेते हैं हम एग्जांपल नंबर 12। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, अगेन जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स के लिए कोस 2x के फॉर्मूले यूज करते हैं, यहाँ कोस 2x के फॉर्मूले के थ्रू हम कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो कोस 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, हम जानते हैं जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया। तो यहाँ से हमें 2 कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस 1 लेफ्ट हैंड साइड में गया तो प्लस हो गया, कोस 2x प्लस 1 और कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू विच इज इक्वल टू 1 बाई टू 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला गया कोस 2x प्लस 1 में कन्वर्ट हो गया। तो नाउ कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू को हम 1 बाई टू कोस एक्स प्लस 1 पुट कर देंगे एंड देन आफ्टर सिंप्लीफाई की इंटीग्रल, तो 1 बाई टू कोस स्क्वायर एक्स की जगह पुट कर दिया कोस 2x प्लस 1 इंटू डीएक्स आई इक्वल टू 1 बाई टू कॉन्सेंट ले लिया, बड़ा ब्रैकेट अप्लाई कर दिया, दो पार्ट में क्वेश्चन अपना ब्रेक हो गया, कोस 2x इंटू डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डीएक्स। तो ऑल ओवर जो अपना इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन का रिजल्ट आया, कोस का जो डिफ्रेंसिएशन होता है जो कि मैंने बताया आपको, कोस का जो सॉरी इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट होता है साइन एक्स होता है, कोस का इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट होता है साइन एक्स, एक्स की जगह एंगल 2x बाई 2 जो कि पीछे एग्जांपल में बताया मैंने, जो एंगल एक्स की जगह 2x 3x होता है उसकी वैल्यू को हम डिवीजन में लिख देते हैं प्लस 1 इंटू डीएक्स का जो इंटीग्रेशन होता है विच इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, दोनों के लिए एक कॉन्स्टेंट अप्लाई कर दिया सी। तो मैं अगेन बता देता हूँ यहाँ पे आपको 1 इंटू डीएक्स का जो इंटीग्रेशन था एक्स प्लस सी होता है जो कि हमने देखा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होता है। 13 नंबर क्वेश्चन आई इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स का अगर हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो तो कैसे करते हैं। तो हमने 10th क्लास में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद होगा बच्चों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, बाकी के इसके बाद अदर फॉर्मूले पढ़े थे स्टडी किए थे। तो हमने इसको कैसे फॉर्म होते हैं वो फॉर्मूले वो सीखते हैं। सबसे पहले हमने इसको दोनों साइड साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, तो अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा प्लस कोस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर से करूंगा, कोस ओवर साइन कोट होता है तो कोट स्क्वायर एक्स, कोस साइन को 1 को साइन स्क्वायर एक्स से करूंगा 1 बाई साइन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहां से अपने
एक फॉर्मूला फॉर्म होता है जो कि हमने टेंथ में पढ़ा था। नाउ एक और फॉर्मूला पढ़े थे टेन और सेक की फॉर्म में। अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं तो साइन को कोस से डिवाइड किया तो टेन होता है बेटा टेन स्क्वायर एक्स, प्लस कोस को कोस से डिवाइड करूंगा तो वन आएगा क्योंकि दोनों का स्क्वायर है वन ओवर कोस विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हम यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें टेन स्क्वायर एक्स को सॉल्व करने के लिए इस यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो हमने इंटीग्रेशन में टेन स्क्वायर एक्स की जगह जो रिजल्ट लगाया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। नाउ हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, स्क्वायर में और कोई इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं होता। तो इसलिए हम किस तरीके से स्क्वायर के इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको हम देखेंगे यहाँ से। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। तो हमें क्या बताया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का रिजल्ट बताया विच इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी होता है। तो इसलिए हमें टेन इनवर्स एक्स को कन्वर्जन करनी पड़ी सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में। तो आई इक्वल टू विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा टेन एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, इन दोनों के लिए कॉन्स्टेंट लगा दिया प्लस सी। तो इन दिस वे वी फाइंड आउट दी टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रल। एग्जाम्पल नंबर 14 लेते हैं गाइज। हमने साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन देखा कोस स्क्वायर टेन का, अब देखते हैं सेक का देखते हैं। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन दे रखा है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स जो कि हमें पता है बेटा टेन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक एक्स स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स होगा। तो आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है टेन एक्स प्लस सी होगा जो कि हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट फाइंड आउट होता है इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के थ्रू। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो गाइस वी नो वेरी वेल कि कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी होता है। तो इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें गिवन होता है इंटीग्रल में आई इक्वल टू विच इज इक्वल टू इसका जो रिजल्ट होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी होता है, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूले जब बनाना सिखाए थे उस समय बताया था। लास्ट एंड फाइनल 16 नंबर आई इक्वल टू अगर हमें कोट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन पे हमने देखा था कि कोट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कैसे डेरिवेटिव करते। तो हमने यहाँ पे कोट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला डेरिवेटिव करके देखा था कि वन प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हम जानते हैं टेंथ में जो पढ़ा था वन प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहां से अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहे बेटा कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाए कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो इस वैल्यू को हमने कोट स्क्वायर एक्स की जगह पुट कर दिया आई इक्वल टू विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। अब हमारा जो क्वेश्चन होगा दो पार्ट में ब्रेकअप हो गया बेटा विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी हमने देखा माइनस कोट एक्स होता है माइनस वन इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है जो कि मैंने क्वेश्चन में आपको पहले भी फॉर्मूले में बताया है। इस तरीके से अभी हमने
जब पावर टू होती है तो उसके इंटीग्रेशन को के सॉल्यूशन को हमने सीखा। इंडेफिनेट इंटीग्रल का साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। अभी तक हमने साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और जिनमें पावर टू थी, मैक्सिमम पावर टू थी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, वो उसके इंटीग्रल फाइंड आउट किए थे। नाउ अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की पावर थ्री हो जाए तो उसके इंटीग्रल किस तरीके से फाइंड आउट करें उसको बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बेटा 17 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रल हमें निकालना है साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में आपको एंगल 2x और 3x के फॉर्मूले बताए थे, मैंने किस तरीके से याद करने का तरीका भी बताया था बेटा। तो हमने लेक्चर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में साइन 3x का फॉर्मूला जो स्टडी किया था, 3 sin x - 4 sin cube x किया था। इस फॉर्मूले के थ्रू हमने साइन क्यूब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो 4 sin cube x को हमने लेफ्ट में ले गए और sin 3x को राइट में ले गए, प्लस में है तो माइनस में, माइनस था तो प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट हो गई 1/4 बड़ा ब्रैकेट 3 sin x - sin 3x फाइंड आउट हो गई। तो हमने इस साइन क्यूब एक्स की जगह जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की साइन क्यूब एक्स की, इसको पुट कर दिया। नाउ 1/4 कॉमन हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है बेटा, और साइन थ्री एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस 3x/3 और सी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। नाउ ओपन द ब्रैकेट 3/4 माइनस के साइन को आगे रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, कोस एक्स माइनस प्लस 1/4 3 = 12 कोस 3x + c। तो इन दिस वे वी फाइंड आउट द साइन क्यूब एक्स इंटीग्रल। तो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, कोस क्यूब एक्स का इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कोस क्यूब एक्स के लिए सेम प्रोसेस बेटा, कोस 3x का एंगल के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। जो फॉर्मूला होता है हमारा 4 cos cube x - 3 cos x, यहाँ पे कोस क्यूब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 1/4 cos 3x - cos 3 cos x। इस वैल्यू को हमने कोस क्यूब एक्स की जगह पुट कर दिया, हमने यहाँ पे 1/4 कॉमन लिया। नाउ डी एक्स को कोस 3x के साथ मल्टीप्लाई किया, डी एक्स को 3 cos x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो कोस क्यूब एक्स दो पार्ट में डिवीजन हो गया। नाउ कोस 3x का जो इंटीग्रल होता है साइन होता है बेटा 3x/3 माइनस 3 कॉन्स्टेंट ले लेंगे, कोस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स और सी अपना कॉन्स्टेंट आ गया। जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 4 3 = 12 साइन एक्स माइनस 3/4 साइन एक्स प्लस सी इतना इंटीग्रल ऑफ कोस क्यूब एक्स। तो एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन आ जाए अपना, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन दो क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन कैसा आता है। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2 का इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना हो तो सिंपल वे में करेंगे बेटा, 3 पार्ट में डिवाइड है क्वेश्चन, तो अपना इंटीग्रल 3 पार्ट में डिवाइड हो जाए, x इंटू डी एक्स हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 कॉन्स्टेंट आ जाएगा, x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 कॉन्स्टेंट आ गया 1 × dx। तो 2 कॉमन से करेंगे 1 × dx का इंटीग्रेशन में पता होता है बेटा। एक्स स्क्वायर एक्स की पावर एन से सोल्व, एक्स की पावर एन में क्या होता है इंटीग्रेशन में एक पावर इंक्रीज हो जाती है बेटा, 2 पावर है तो एक इंक्रीज होगी, कितनी होगी 3। तो एक्स की पावर क्यूब ओवर 3 इसका रिजल्ट हो गया, प्लस 3 × x का टी एक्स के रिस्पेक्ट में एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, इसकी पावर कितनी 1 है, तो इंटीग्रेशन में एक्स की पावर एन से सोल्व होगा तो x² / 2 1 पावर है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 × 1 × dx का जो इंटीग्रेशन होता है x होता है, और इन सब के लिए हमने एक कॉन्स्टेंट मान लिया।